एपीएसएसबी ने जो मोस्ट अवेटेड जो पोस्ट था एमटीएस और सर्वेयर और जूनियर एस्टिमेटर का, उनका नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि 16 तारीख को जारी किया था, 16 अप्रैल को। और उसमें ये कहा गया था कि जिन कैंडिडेट ने भी इन फॉर्म्स को भरा हुआ है, उनको अपना वेरीफाई करना है, अपना जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करना है, तो 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आपको ये वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो बाई चांस आपको कॉल लेटर नहीं आता है तो आप ब्लेम नहीं कर सकते एपीएसएसबी को, ये उनका कहना, इसलिए ये अपडेट का है। और थोड़ा बहुत चक्कर ये भी है कि उनका जो एक उन लोगों ने ये भी दिया था कि स्टेटमेंट भी दिया था कि कुछ का जो डॉक्यूमेंट्स है वो शायद गायब भी हो सकता है, तो इसलिए आपको जाकर अपना उनके वेबसाइट में जाकर आपको ये चीज़ वेरीफाई कर लेना है कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। इस दौरान कोई भी नया फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यानी कि नया एप्लीकेंट कुछ भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप किया हुआ था जब पहली बार नोटिफिकेशन निकाला था। तो एपीएसएसबी का जो साइट का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि अब वेरिफिकेशन का डेट जो है 3 मई तक दे दिया गया है, तो लगभग आपको एग्जाम का डेट भी विद इन 20 डेज 25 डेज आ जाएगा, तो आज से लगभग 1 महीने के बाद आप सोच सकते हैं, अगर कोरोना के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो एपीएसएसबी ये एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिए, तो इस वजह से ऐसा नहीं सोच के बैठना है कि टाइम होगा या नहीं होगा, आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि किसी समय भी वो एग्जाम का डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत स्टूडेंट्स थे जो एमटीएस को लेकर पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए कि इसमें क्या क्या आने वाला है, मतलब कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो सिलेबस क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम होगा, मतलब नंबर्स पे क्वेश्चंस होंगे, नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये हो सकता है नंबर्स एक है। नंबर्स के बारे में जैसे ऑड इवन के बारे में आप जानना है, नेचुरल नंबर, ये सब के बारे में जानना। ठीक है, उसके बाद एडिशन सब्स्ट्रैक्शन, सिंपल सब्स्ट्रैक्शन एडिशन, थोड़ा बहुत डेसिमल का, फ्रैक्शन का, ये सब आपको आने का चांस है। फिर फ्रैक्शन चैप्टर आपको अच्छा से पढ़ना है, डेसिमल चैप्टर अच्छा से पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ एवरेज, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स का थोड़ा बहुत आइडिया आपको लेना है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिट कन्वर्जन, क्लॉक, कैलेंडर एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सिलेबस होता है एमटीएस का वो ये है। ठीक है, तो ये तो जो मैथ्स के बाद था, ये मैथ्स में मैं एक बार और बता दूं आपको, नंबर्स, फिर उसके बाद आता है एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मतलब ये रूल है, रूल्स को आपको देखना है, फ्रैक्शंस अलग से चैप्टर होगा, डेसिमल्स, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ एवरेज, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिट कन्वर्जन, क्लॉक, कैलेंडर्स, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको इस पे ध्यान देना है। उसके बाद जीके में आपको पता ही है, जीके में ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है, बस लेवल का फर्क होता है हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो छोटा एमटीएस का एक कोई एग्जाम हो, मतलब कि आपका जो ऑफिसर का एग्जाम हो या फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, ग्रुप बी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। तो पढ़ना क्या है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्मॉल पार्ट, थोड़ा सा बहुत कंप्यूटर्स का आपको पूछा जा सकता है, बेसिक साइंस, ठीक है, करंट अफेयर्स और अरुणाचल जीके। तो इतना आपको जीके में, आपको पोर्शन तो लंबा चौड़ा है क्योंकि रीड करने में बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उसका प्रिपरेशन आपको उसी तरीके से करना है, मतलब कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेके, थोड़ा बहुत आप एक कहानी को समझ जाते हैं तो आपको जीके का भी, स्टैटिक जीके चल जाएगा, लेकिन बाकी आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, करंट अफेयर्स में भी बहुत कुछ पढ़ना है, अरुणाचल जीके में भी पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश का बेसिकली ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया रहता है या फिर एरर्स के फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन, तो
टॉपिक्स क्या रहता है? टॉपिक्स तो वही बेसिक ग्रामर का जो है, बेसिक ग्रामर मतलब नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब रहेगा, आइटम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, ठीक है, और फिल प्रीपोजिशंस रहेंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, टेंस रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो ये एक कोई चैप्टर नहीं है, पूरा ग्रामर आपको आपको पढ़ना तो होगा ही पूरा ग्रामर, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई राइटिंग सेक्शन नहीं होता है, तो आप जस्ट जो क्वेश्चंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आप कर सकते हैं, या फिर एरर के, एरर फाइंड करने के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है। तो ज्यादा सिलेबस सिलेबस जो है आपको ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का एक ही रहता है, लेकिन लेवल पे आपको जाना है कि लेवल एमटीएस का उतना नहीं रहेगा। तो क्योंकि आप आपने देखा था एलडीसी का भी एग्जाम जो एपीएसएसबी ने कराया था, उसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत इजी था, मैथ्स का पोर्शन बहुत इजी था, इंग्लिश और जीके ही डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा था, ठीक है। तो एमटीएस में भी यही होगा, देखिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि जब एलडीसी का एग्जाम में भी कट ऑफ 250 के अराउंड गया है, ठीक है, आउट ऑफ 300 250 के अराउंड कट ऑफ गया था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें एग्जाम और इजी रहता है, एमटीएस का एग्जाम और इजी रहता है, तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगा। मतलब आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है, सिलेबस से ज्यादा आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए कि आप एक्यूरेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको, मिलते हैं किसी